गोला के उपचुनाव को लेकर भाजपा और सपा दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोला पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा नेता अनुराग भदौरिया इस समय मौजूद है गोला में और डॉक्टर पूर्वी को आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं। तो तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर हैं। अनुराग भदौरिया जी से बात करते हैं। अनुराग जी, मुख्यमंत्री आए, बहुत बड़ी जनसभा की और उन्होंने एक बात कही कि अखिलेश यादव सपा जो है वो कभी जनता के साथ खड़ी नहीं दिखी। अगर कभी कोरोना सपा के समय आया होता तो उस समय क्या होता हर्ष वो लोग अंदाजा ही वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में क्या हुआ था। लोग एकमात्र ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दम तोड़ दी थी, इसके बारे में वो नहीं बताएंगे। वो नहीं बताएंगे कि लगातार उनके 40-40 स्टार प्रचारक यहाँ घूम रहे हैं, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सीएम तक आ गए, डिप्टी सीएम आ गए, लेकिन एक बार ये नहीं बोल पाते कि वो किसानों के गन्ना का पेमेंट कल कर दें। बोला उन्होंने, कहा है। अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कहा कब? चुनाव 3 तारीख को है, इतने दिन से इनके स्टार प्रचारक घूम रहे हैं, कल कर देंगे क्या? अब चुनाव आया तो आए, आप कल कर दीजिए। ये करने वाले नहीं है, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे जिस तरह से जानवर पूरे यहाँ के खेत चढ़ जा रहे हैं। बच्चों से पूछो तो कहते हो मैं स्कूल इसलिए नहीं जाता हूँ कि मुझे खेत रखाना पड़ता है। वो अपनी पढ़ाई छोड़ के खेत रखा रहे हैं। सोचो आप, उनकी एजुकेशन खत्म हो रही है। चीज़ों पर वोट देगी जनता सपा? जनता वोट हम दे रही है, दे दिया समझो। आप किसी से रास्ता चलते पूछ लो, देखो कोई आगे, जिससे पूछ लो। 22 का मुख्य चुनाव था तब क्यों नहीं कह रहा हूँ? 22 का जब मुख्य चुनाव हो रही है ना, आप किसी से पूछ लो रास्ता चलते। मैं तो रोड पर खड़ा हूँ, ये रोड कोई हमारी नहीं है, चलता मोटरसाइकिल गाड़ी किसी को भी रोक लो और वो यही बोलेगा कि यहाँ साइकिल जीत रही। सैंपैथी वोट तक नहीं है, क्योंकि जनता ने जो दर्द झेल लिया भारतीय जनता पार्टी सरकार में। आप पूछो क्या नाम है? नाम है आपका, आइए। देखो त्रिपाठी जी क्या बोले, सही बोल रहे हैं, लेकिन कैमरा के बोल के सही बोल के गुस्से में गए, मतलब उनके अंदर ताकत है। एक चीज ये बताइएगा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव को पहले से पता कि हार रहा है, इसीलिए वो यहाँ प्रचार के लिए भी नहीं आ रहा। इसीलिए उनको पता है ना, इसलिए वो भाग जा रहे हैं। गाँव में है नहीं कहीं उनको, ये अब क्या करना पड़ रहा है उनको? कह रहे हैं ये मिनी गुंडा एक्ट है 110, मिनी गुंडा एक्ट, टीनी गुंडा एक्ट और टेनी गुंडा एक्ट कहाँ, वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मिनी, टिनी, टेनी को ये सब 3 तारीख को यहाँ पे गोला की जनता साइकिल पे मोहर लगा के और बंद करके भेज देगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कैमरा घुमा के किसी से पूछ लीजिए। तो सही बात करेंगे डॉक्टर पूर्वी, आपसे भी बात करना चाहेंगे। देखिए फरवरी में भी मुख्यमंत्री आए थे, मार्च में चुनाव के नतीजे आए, वो भाजपा के पक्ष में रहे, ऐसा क्या लगता है इन महीनों में क्या ऐसा बदलाव आ गया जो इस बार सपा के साथ जनता जाएगी? देखिए मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी आए, 1.5 घंटा भाषण दिया, 40 मंत्री घूम रहे हैं, गन्ना का पेमेंट करा देंगे क्या बोल के गए? छोटा पशु जो घूम रहा है उसको पकड़वा देंगे बोल के गए? नहीं बोला। इन्होंने किसानों की जो मुश्किल थी उसको और मुश्किल कर दिया ये बोल के कि अब तार, जो तार होती है ब्लेड, जो उसमें होता है ब्लेड वाली तारें भी हटानी पड़ेंगी। तो मुझे तो ये लगता है जब ये लोग ज़मीनी धरातल की जो सच्चाइयाँ हैं वो जानते ही नहीं है और मन से आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम गोला को ये बना देंगे, गोला उनके बनने से कुछ नहीं बनेगा, ये गोला के लोग हैं, गोला गोकरणनाथ नगरी के लोगों से गोला बनेगा और हम ही लोगों ने मिलकर गोला बनाया है। तो इतने दिनों में जो चेंजेस हुए हैं, इतने महीनों में, मुझे लगता है क्योंकि किसानों की जो तकलीफें हैं, युवाओं की जो तकलीफें हैं, यहाँ पे इतने बच्चे खड़े हैं। पूर्वी जी, पिछली बार लगभग 30,000 वोट से सपा प्रत्याशी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था, इस बार परिणाम कैसे देख? देखिए हम लोग इस बार देख रहे हैं सपा की सीट बहुत बेहतरीन तरीके से निकलेगी और हम लोग पूरी तैयारियां भी कर रहे हैं कि कोई बेईमानी ना हो और जितने भी हमारे लोग हैं आप जनता से पूछिए, जैसा कि भदौरिया जी ने। क्या नाम है आप? नितिन गोयल। ये बताइए क्या लगता है आपकी बात? आप अखिलेश जीतेगी, अखिलेश जीतेगी। अच्छा, ऐसा क्यों? पिछली बार नहीं जीते थे, इस बार उपचुनाव में जीतेंगे, कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई खास वजह? अच्छा, आई डोंट नो। चलिए, आपका नाम? जसवंत। क्या लगता है सुन जी, अब की बार क्या हवा चल रही है? तिवारी जीतेंगे जी। अच्छा, क्या खास वजह जिस वजह से वो जीतेंगे? फिर वादा करके कहते गन्ना पेमेंट कराएंगे, इस बार नहीं कराया उन्होंने। छुट्टा आवारा वाला जो पशु वाला था वो कहा था कि हम करेंगे इस बारे में समाधान करेंगे, मोदी जी बोल रहे थे, नहीं किया इस बारे में जी। अच्छा, जी एक चीज़ आपसे फिर से हम पूछना चाहेंगे, ये बताएं कि अखिलेश जी आने वाले नहीं, क्योंकि अब तो प्रचार में बहुत कम वक्त, 1 तारीख को खत्म। सवाल ये है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है तो तरह तरह की बातें उनको निकालना है। समाजवादी आएंगे, ये हम अपने समाजवादी एक परिवार है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि यहाँ पे नफरत का, हम परिवार हैं और हमारा हर व्यक्ति अपने आप को, हर कार्यकर्ता अपने आप को अखिलेश यादव जी समझता है और इसी वजह से आप रोड पे खड़े होके हर किसी से पूछ लो, छोटे छोटे बच्चों से भी पूछ लो, आप किसी छोटे बच्चों से ही पूछ लो क्या नाम है आपका, छोटा बच्चा है वोट नहीं देता है, लेकिन इसकी मन से आप पूछो क्या होगा।
अरिजन अंसारी। किसको साइकिल को जिताना चाहते हो कमल, किसको ईमानदारी से बताओ? साइकिल को। साइकिल को पूछो, क्योंकि साइकिल अच्छा है अखिलेश यादव। पूर्वी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही थी, नहीं नहीं वो कह रहा है, देखिए उसने बोला अखिलेश यादव अच्छे हैं, साइकिल ये छोटा बच्चा है। और दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि अखिलेश जी नहीं आएंगे आएंगे, देखिए हम लोग डरते नहीं है समाजवादियों को, 40-40 मंत्री और मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे एक एक सिपाही अखिलेश यादव है और हमारी विचारधारा माननीय मुलायम सिंह जी की विचारधारा है और हम सब लोग उनके पचिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। बच्चे बूढ़े नौजवान महिलाएं लड़कियां हर कोई चाहता है, बदलाव की राजनीति का समय है। तो अब जो है यहां से साइकिल चलेगी और कमल उखड़ेगा। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से जो समाजवादी पार्टी के भी नेता है उनका भी ये दावा है, उनको पूरा विश्वास है, यकीन है कि इस बार गोला की जो सीट है यहाँ पर कमल नहीं खिलेगा बल्कि साइकिल दौड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि जनता किसके साथ है, जनता कहती क्या है वो अलग है, लेकिन जनता का मन क्या है ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखीमपुर गोला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।